हाँ दादा, राम राम। राम 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 राम। मैं कैलाश पाटीदार आशा संस्था नागदा से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम भारत सिंह पंवार है, मैं बोरखेड़ा पितरामल का रहने वाला हूँ। अच्छा दादा, आज आप ये क्या करने जा रहे हैं? चने की फसल में दवाई छिड़कने जा रहा हूँ। अच्छा दादा, बताओ कि आपके चने के खेत में कौन सी इल्ली लगी या कीड़ा लगा जो आप ये दवाई छिड़कने जा रहे हो? ये जो चने हैं, चने के गेगरे को इल्ली खा रही है, इसलिए मैं दवाई छिड़कने जा रहा हूँ। अच्छा भारत दादा, बताओ कि चने के खेत में इल्ली लगी है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए कोई पारंपरिक विधि नहीं है क्या आपके पास? विधि तो है, पर दवाई इल्लियाँ 25% बढ़ गई है, इसलिए इसको रासायनिक दवाई से इसका नियंत्रण करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ये चने पे जो दवाई छिड़क रहे हो तो इससे क्या होगा? दवाई छिड़कने से इल्लियों का नियंत्रण हो जाएगा, पौधे स्वस्थ हो जाएंगे और उपज बढ़ जाएगी। अच्छा भारत राय, बताओ कि आप रासायनिक दवाई से इल्ली को नियंत्रण करने के लिए छिड़काव कर रहे हो, तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हमें 15 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है और हमें 25 ml क्लोरीनफास की ज़रूरत पड़ती है और स्प्रे पंप की ज़रूरत पड़ती है और प्लास्टिक के मग्गे की ज़रूरत रहती है। घोल बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा तो भरत दादा, ये घोल बना के दिखाओगे आप? हाँ दिखाएंगे। पहले 1 लीटर पानी लेके बाल्टी में डाल देंगे, उसके बाद दवाई, और उसके बाद 25 ml दवाई डालते हैं और दवाई को लकड़ी से घोल बनाते हैं और उसके बाद हम स्प्रेयर पंप में 14 लीटर पानी डालते हैं और जो दवाई का घोल बनाया था वो पंप में डाल देते हैं और हम टंकी में भी लकड़ी से दवाई को हिलाते हैं। अच्छा तो भाई दादा, ये घोल जो बनाया आपने, ये छिड़कने के लिए तैयार हो गया? तैयार है। अच्छा तो आप छिड़क के हमें दिखाएंगे? हाँ, वही मैं ये ठिबड़ा दे रखा तू। अच्छा तो भरत दादा, आपने तो ये बताया ही नहीं कि इसमें 1 एकड़ में कितनी टंकी छिड़कना है। 1 एकड़ में 17 टंकी छिड़कना है और 1 बीघे में करीबन 9 टंकी दवाई छिड़कना है। अच्छा अच्छा, तो भरत दादा बताओ कि आज जो आपने चने की फसल में ये रासायनिक दवाई का छिड़काव किया, तो इसमें कुछ सावधानियाँ भी रखनी पड़ती होगी? दवाई छिड़कते समय मुँह पे गमछा और आँखों में चश्मा, हाथों में दस्तर और पाँव में जूते पहनना बहुत जरूरी है। छिड़काव हमेशा हवा की दिशा में ही करना चाहिए, विपरीत नहीं करना चाहिए। पाटीदार जी, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दवा की मात्रा जितनी बताई गई उतनी ही उपयोग करना चाहिए। अच्छा तो फिर बताओ कि आज आपने चने की फसल में छिड़काव करा, तो क्या आपकी फसल में क्या क्या फायदे होंगे? पौधे में दवाई छिड़कने से जो घेघरे, इससे इल्ली नियंत्रण हो जाएगी और पौधे स्वस्थ हो जाएंगे और इससे हमें फायदा होगा। अच्छा तो भरदा बताओ कि आपको दवाई छिड़कने से फायदे होते हैं, तो आपके क्षेत्र के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे क्षेत्र के किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो मेरे द्वारा दवाई का उपयोग किया गया है, ऐसे उपयोग वो भी करें तो फसल अच्छी होगी, उससे उनका लाभ होगा और उचित फसल प्राप्त होगी। अच्छा तो भरत दादा, आज आपने हमें चने की फसल में दवाई का छिड़काव करके दिखाया और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपको आशा संस्था नागदा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।